हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सूर्यकांत आज आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 11 क्लास 6 साइंस का, जो कि एयर अराउंड अस है, हमारे चारों ओर वायु। अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 15 में था, लेकिन अब जो रेशनलाइज सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसमें चैप्टर 11 में है और ये आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मैं सारी चीज़ें आपको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। एयर अराउंड अस चैप्टर 11 है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग वैसे क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, पहले कंटेंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आपका इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि क्या हवा हर जगह पे उपस्थित है। ईच एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अगर हवा हर जगह पे उपस्थित है तो हवा क्या चीज से मिलके बनी हुई है, उसमें क्या क्या मिश्रण है, क्या क्या मिक्स किया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड एक लास्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा, वो है हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो आपका जैसे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन तो कम हो रही है, अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कम हो रही है, तो ऑक्सीजन जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस हो रहा है, वो बैलेंस कैसे रह रहा है, हम लोग इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी और आप इसको क्लास को इंजॉय करेंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ें। बेटा सबसे पहले क्या आपने हवा को देखिए, आपने हवा को मूव करते हुए, घूमते हुए, कहीं जाते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए आपने देखा होगा शायद। नहीं देखा है ना? बता दो, झूठ क्यों बोल रहे हो? एक बच्चा कह रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है, नहीं मैंने जस्ट महसूस किया है, आई जस्ट फेल्ट। हमने बस क्या किया है, इसको महसूस किया है ना? तो महसूस कैसे किया है ना? अगर मान के चलो कि आप घर के बाहर अपने छत पे खड़े हो और सामने एक पेड़ है जो क्या कर रहा है, रस्टलिंग कर रहा है, हवा से पेड़ पूरा हवा उसके पत्ते मतलब हिल रहे हैं, एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, तो हमें ऐसा लगा कि हाँ हवा की जो स्पीड है वो काफी तेज है, राइट। दूसरा हमारा है कि हमारी जो अभी कभी हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर मान के चलो कभी बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी जो पेजेस है बेटा वो फ्लटरिंग करने लगता है, पेजेस उड़ने लगता है, तो हमें ये लगता है कि हवा की वजह से ही उड़ रहा है, राइट। तो यहां से हमने क्या किया, इसको महसूस किया कि जो पेज के मतलब पन्ने हैं हमारे जो बुक के वो इसलिए उड़ रहे हैं ताकि उसमें हवा है। आपके बाल उड़ते हुए आपने देखा, आप जब पतंग उड़ाते हो है ना, आपने आप जब इस टाइप की चीजें जो एक लकड़ी में लगा होता है ना, वो आप देख आपने उसको मूव किया होगा। आप कपड़े जब सुखाते हो आपके कपड़े मूव कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप एहसास कर पाते हो कि सर हवा है ना। हवा को भले ही हमने नहीं देखा है लेकिन यहाँ पे हवा अवेलेबल है, जिस वजह से ये सारी चीजें क्या हो रही है, आपका प्रोसेस हो पा रही है, राइट। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हवा सब जगह पे है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट इट कैन नॉट बी सीन ओनली बी फेल्ट। हमसे हमें ये कंक्लूजन निकला, अभी तक हमने जो भी देखा उससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि सर वायु जो है वो हर जगह पे है, हवा हर जगह पे है ना, हम कह सकते हैं कि सर्वत्र विद्यमान है ना, लेकिन हवा को देखा नहीं जा सकता है, हवा को क्या किया जा सकता है, हवा को बस महसूस किया जा सकता है, जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं, राइट। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है बेटा आपको? ओके, एक एक्टिविटी के थ्रू से हम हवा को चेक कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे हवा अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एक स्टिक लेना पड़ेगा और वहां पे एक विंड वैन लगाना पड़ेगा, ये तो आपने किया होगा, और ये
पत्ते वत्ते का भी बहुत अच्छे से बन जाता है, बच्चों को मैंने बहुत एक्टिविटी करते हुए देखा है ना। तो ये क्या कर सकते हो, इसको लेकर के आप इस फिरकी को लेकर के थोड़ा सा आप दौड़ सकते हो बेटा, और जब दौड़ोगे ना तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इससे मूव करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पे कोई चीज है जो आके प्रेशर डाल रही है, इसको मूव करने पे मजबूर कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है वो क्या है, हर जगह पे अवेलेबल है, हमारे आसपास में वायुमंडल में भी अवेलेबल है। राइट, यहां तक क्लियर हो चुकी है। चलिए, आपने ये भी देखा होगा वेदर कॉक को, है ना। वेदर कॉक भी आप घर के छत पे लगी होती है, या फिर आप किसी बिल्डिंग्स में देखे होंगे वहां पे लगी होती है। और ये आज अपने आप में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ये रोटेट कर रहा होता है। ये क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को बताती है कि हवा किधर से घूम रही है ना। ये हवा की डायरेक्शन बताती है, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये तीर का निशान, ये इसमें वेदर कॉक फिक्स किया हुआ है। अब जैसे हवा इधर से चल रही है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक मूव कर जाएगी, अगर इधर चल रही होगी तो ये तीर का निशान उधर चला जाएगा। तो हवा की डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा कि हवा किधर को जा रही है। राइट, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो मूवमेंट है वो किस साइड में है। ओके, यहां से भी हमें एहसास हो रहा है कि हवा कहीं ना कहीं अवेलेबल है ना। अच्छा, आपने बोला कि हमने हवा को जस्ट महसूस किया, क्योंकि जब आपने मुट्ठी बंद की, है ना, मुट्ठी बंद की और मैं पूछा कि आपकी मुट्ठी के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, आपकी मुट्ठी में कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मुट्ठी में भी हवा है ना। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी से देख सकते हैं कि क्या एक बंद डब्बे में, अगर मैं आपको एक ओपन, आपको एक खुला सा बोतल दूं जिसमें पानी भी नहीं रखा हुआ है, पूरा खाली सा है, और मैं अगर पूछूं उसमें कुछ है ना, तो आप बोलोगे सर इस तो खाली है ना। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी के थ्रू से आपको मैं रियलाइज करवाना चाहता हूँ बेटा, कि बोतल के अंदर भी हवा है, मतलब हर खाली जगह में हवा है, भले ही वो वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, आप उसको वैक्यूम ना बना दो, हवा उसे निकाल ना दो, ठीक है। हाँ, हम स्पेस में चले जाएंगे जहां वैक्यूम है बिल्कुल, वहां पे एयर नहीं है, राइट, है ना। लेकिन हमारे जो वायुमंडल है वहां पे हवा है, हर जगह पे अवेलेबल है ना। आप जहां देखो, बेड के नीचे भी आपका हवा है, रूम के अंदर भी हवा है, खाली बोतल में भी हवा है, बंद कमरे में भी हवा है, हर जगह पे हवा अवेलेबल है, ठीक है बेटा। तो एक एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, मान के चलो कि आप चाहते हो कि इस बोतल में आपका कुछ नहीं है, राइट। आप क्या करो, एक बाल्टी लो और बाल्टी में पानी भर दो, ठीक है। और पानी भरने के बाद आप बोतल को ना आप ऐसे सीधा वर्टिकली 90 डिग्री पे आप क्या करो, उसको आप नीचे उसमें पानी के अंदर डालने का प्रयास करो, ठीक है। आप जैसे ही आप डालोगे, है ना, आप जैसे ही डालोगे तो पानी की जो आपका जो मतलब पानी है वो बोतल के अंदर नहीं जाएगा, है ना, और ये बिल्कुल आपका खाली बोतल अंदर चला जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि हवा ऑलरेडी अपने पूरा पैक है, ये पूरा फिल किया हुआ है, ये ऑलरेडी हवा से भरा हुआ है, जिस वजह से इसके पास स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे पानी नहीं जा पाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप इसको रोटेट करते हो बेटा, है ना, जैसे ही थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा भी आप एंगल में थोड़ा सा टेढ़ा करते हो तो हवा निकल जाती है, और साथ में हवा जो निकलती है वो निकलने की आपको बुलबुल बुल करके आवाज आती है ना, और पानी इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि सर बंद जार में भी क्या होती है, हवा भरी हुई होती है ना, हम भरते नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिक भर जाती है, राइट। अच्छा सर, हवा के बारे में तो बहुत देर से आप डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 9 से 10 मिनट हो गया है ना, लेकिन हवा के बारे में केवल हवा ही हवा डिस्कस हो रही है कि हवा है, बस आप फील करवा रहे हो कि हवा है ना, महसूस करवा रहे कि हवा है। तो हवा की कुछ विशेषताएं भी होती है क्या, हवा के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसा दिखता है ना, कुछ अड़ोसी पड़ोसी का नाम बता दीजिए हवा का। तो हवा का एक सिंपल सा कि हवा जो होता है बेटा वो गैसियस फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है, एक गैसीय अवस्था में होता है, गैस में पाया जाता है आपका, है ना, गैसियस स्टेट में हवा पाई जाती है, जो कि इनविजिबल होती है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, है हमारी नेकेड आई उसको नहीं देख सकता है। तो सर अगर नहीं देख सकते तो क्या कर सकते हैं, हम लोग जस्ट हवा को महसूस कर सकते हैं,
हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हवा को फील कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे गैसेस होती है बेटा, इसके अंदर हवा एक मिक्सचर कहलाता है ना, आपका यौगिक नहीं कहलाता है ना, यह एक मिक्सचर है ऑफ मेनी गैसेस, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें होते हैं इसमें, इसके अंदर अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हवा को, हवा हर जगह पे प्रेजेंट होता है, हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, वी कैन फील इट, इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, हवा में एक आपका गैस होता है हवा के अंदर जो होती है ऑक्सीजन, जो कि आपकी ऑर्गेनिजम्स को है ना सर्वाइव करने के लिए जरूरी पड़ती है। हवा के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस होता है जो कि पेड़ पौधों को जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये होती है कि हवा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, ये कभी खत्म नहीं होती है, यह एक रिन्यूएबल सोर्सेस है, नवीकरणीय संसाधन है। इसको हम हवा जैसे हम यूज कर रहे हैं उसको हम रोटेट कर रहे हैं, फिर से मान के चलो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यूज हो रहा है, ऑक्सीजन बदल रहा है, वो क्या हो रही है, आपका नवीकरणीय संसाधन है। और ये हमेशा प्रेशर देता है। सर कैसे पता चलेगा कि हवा हमें प्रेशर डालता है, हम तो चल रहे हैं आराम से, हमें कभी हवा ने मार के नहीं गिराया है ना। कभी आप तेज रफ्तार से गाड़ी में बैठे हो, आपको क्या लगता है कि हवा आपको धक्का दे रहा है, आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है ना। और कभी आपके बाल उड़ते हुए आपने देखा होगा, कभी अपनी कभी मान के चलो एक गमछा या फिर एक रुमाल निकाल दो ना, हवा उस पर प्रेशर डाल रही होती है, तो हवा क्या करती है आपका ऑल डायरेक्शन में क्या करती है बेटा, वो प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव डालता है। ओके, और क्या करती है हवा, हवा को जगह की जरूरत पड़ती है रहने के लिए, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड इट फिल ऑल द स्पेस इन द कंटेनर विच इज अदरवाइज एम्प्टी एंड सीम्स टू बी एम्प्टी। वो हर कंटेनर में अवेलेबल है, चाहे आपको लग रहा है कि वो खाली है या फिर आपको लग रहा है कि वो भरा हुआ है, हवा हर जगह पे अवेलेबल है बेटा, है ना। तो हवा का हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है ना। अगर आपके एग्जाम में आता है तो मुझे लगता है कि एयर के बारे में आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। हवा की उपयोग क्या है, हवा का हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। ओके, ये क्या करता है, हमें रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। हवा क्या करती है, हमें ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है। ओके, मतलब हम लोग उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग इंटेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इट हेल्प फॉर रेस्पिरेशन, मतलब सर ये क्या करता है, सांस लेने में हेल्प करती है, मतलब समझ लो कि हम जिंदा भी हवा से, हवा से ही है। आप कभी, आपने कभी एक्टिविटी करके देखा है कि आप कितने देर ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, कभी आप नाक और मुंह बंद करके ट्राई करना, स्टॉपवॉच लगा करके, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं जाएगा, 40-50 सेकंड में आपको लगेगा कि अब हम दम तोड़ देंगे और तुरंत आप हाथ छोड़ दोगे। इससे ज्यादा प्रयास मत करना कि सर ने बोला है हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद पता चला कि आप दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी हम नहीं बोल रहे आपको करने के लिए, मैं बस आपको एक एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, इट हेल्प जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। बेटा जो विंड मिल की जो ब्लेड्स को रोटेट करने में हवा हेल्प करती है ना, इसके थ्रू से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो हवा की भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि हम हवा की हेल्प से है ना, बाय हेल्प ऑफ द एयर हम लोग क्या करते हैं, इसके ब्लेड्स को, टर्बाइन को घुमाने में हेल्प करते हैं, है ना। और जब ये घूमता है तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्रिएट होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, आपने देखा होगा कि हवा में उड़ करके बहुत सारे जो सीड्स होते हैं पेड़ पौधे का, वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है और वो वहाँ पे नया नया पौधे लग जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, नया पौधे, नए पौधे आ जाते हैं वहाँ पे, तो एक तरह से फायदा ही है। क्या करता है, हवा के वजह से ही जो आपका सेल है, नावें जो होती है वो क्या होती है, नदियों में, आप नदियों में आप उसको क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, मतलब आप बोटिंग कर सकते हो। क्या करता है ये, वाटर साइकिल में हेल्प करता है। जो वाटर साइकिल प्रोसेस है ना, उसमें इवापोरेशन आपने पढ़ा होगा कि पानी वाष्प बन करके क्या करती है, ऊपर जाती है ना। आपको पता है हवा से आपकी पानी, मतलब हवा हवा ड्राई एयर होने की वजह से भी आपका हवा भी क्या करता है, आपको इवापोरेट्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल, उसके बाद क्या है, आपका जो बेटा
क्लाउड्स है उसको मूव करने में भी हेल्प करती है, वरना पता चला एक ही जगह पानी गिर गया जा करके। तो बहुत सारी हेल्प करती है हवा बेटा, मतलब समझ लो भगवान ही मान लो हवा को, वायु देवता, हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग वायु देवता मानते हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंस है हवा का कि हम लोग इसको, इसके बिना ना रह ही नहीं सकते हैं, है ना। ये फोटोसिंथेटिस प्रोसेस करने में भी हेल्प करता है बेटा, एंड ऑल्सो सपोर्ट बर्निंग कंबसन। फोटोसिंथेटिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा लेती है ना, और ऑक्सीजन को छोड़ती है, वहां एक प्रोसेस हो गया। क्या करती है, किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी हवा की जरूरत है। मतलब सर क्या ही करके मानोगे आप, हर जगह पे हवा की जरूरत है। देखो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, देखो और सांस लेने में, बाल उड़ाने में, बहुत सारा काम आता है हवा का। वो आपकी जरूरत के हिसाब से कि आप इसको कैसे यूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है ना। मतलब यह है कि हम लोग जहां पे रहते हैं हमारी वायुमंडल में हवा ही हवा है सर, कितने ऊपर तक हवा है ना, क्या पूरा स्पेस में भी हवा है क्या, हम इसको समझते हैं ठीक है। अगर अगर हम अपनी एटमोसफेयर की बारे में बात करें बेटा, तो हमारी एटमोसफेयर में कुछ लेयर है ना, जैसे हमने सबसे नीचे वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अच्छा एटमोसफेयर क्या है, एटमोसफेयर एक थीन ब्लैंकेट ऑफ क्या है, आवर सराउंडिंग, मतलब अर्थ के सरफेस में, मान के चलो ये अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर ना एक पतली सी परत है बेटा जो आपकी हवा से भरी भरी है ना। ये अर्थ है आपका, धरती है, और इसमें क्या है, एक आपके इधर बहुत सारा हवा भरा पड़ा है ना। एक थिंग क्या है आपका, आपका थिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर, समझ लो कि चारों तरफ से घेरा हुआ है ना, जिसको हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। और एटमोसफेयर में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 फाइव लेयर से, हमने क्या, हमारे फाइव लेयर्स होते हैं। ये लेयर को हमने क्यों कैसे बांट दिया, हमने जाके क्या वहां पे चिन्ह दे दिया क्या, कि ये रहा यहाँ से यहाँ तक एटमोसफेयर, यहाँ से यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर। ऐसा तो नहीं कि वहां पे हमने एक साइन दे दिया है भाई, जैसे आपने पास किया ऊपर गया उड़ने के लिए, अरे भाई भाई सुनो सुनो ट्रोपोस्फेयर हम लोग पार कर गए, ऐसा तो नहीं होता है। अरे भाई अब हम लोग ना स्ट्रेटोस्फेयर भी पार कर गए, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हम लोग किस बेसिस पे हम लोग देते हैं, वेरिएशन इन टेम्परेचर दैट चेंजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हमारी जो टेम्परेचर है, आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी जो टेम्परेचर होती है बेटा वो क्या होती है, डाउन होती है। और अगर टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है ना, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाएंगे ऑक्सीजन की लेवल भी कम होगी, हवा की प्रेशर भी कम होगी, और इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको क्या किया है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर जो पहला लेयर होता है हमारे अर्थ से सटा हुआ होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है ना। और ये आपका जो ट्रोपोस्फेयर है बेटा, इसमें लगभग अगर हम एटमोस्फेयर की बात करें तो हमारा 70% चीजें इसी में होती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सरफेस है, यहीं पे हमारा वेदर कंडीशन बदलती है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हमारा पूरा एटमोस्फेयर का 75% चीजें हैं। अगर हम बात करें बेटा अगर नेक्स्ट लेवल का, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो जस्ट आपका ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है। कभी कभी एग्जाम में ना आपको पूछ देता है कि आप नीचे से ऊपर तक का मतलब वो लिखे, पहले कौन सा फेयर है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा है। तो बस ध्यान रखना ट्रोपोस्फेयर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका क्या काम होता है, इसी में आपका ओजोन लेयर है, जो आपने पढ़ा है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहा है ना। और वहां की जो पराबैंगनी किरण है वो क्या कर रही है, आके हमें हार्म पहुंचा रही है, ठीक है, इसी में ओजोन लेयर है। यही यही एक लेयर है बेटा जहां पे हम लोग हमारी एरोप्लेन्स वगैरह मूव करती है ना। यहीं पे है जहां पे बादलों का घर कहा जाता है, यहीं पे आके बादल भैया रुक जाती है और तैरने लग जाती है, बोलता है हमारी औकात नहीं है इससे ऊपर जाने का, हम यहीं पे रहेंगे, है ना। और इसी के ऊपर में जाकर के आप क्या करते हो, एरोप्लेन में फ्लाई करते हो, और फिर आपको मजा आता है एरोप्लेन में कि हाँ भाई हम बादल को चीरते हुए ऊपर आ गए, और बादल के ऊपर से आप मजे कर रहे होते हो, ठीक है। अब आता है हमारा मेसोस्फेयर, जो कि नेक्स्ट लेवल है आपका स्ट्रेटोस्फेयर का। भाई यहाँ पे हमारी जरूरत नहीं, भाई आम इंसान की जरूरत नहीं है मेसोस्फेयर में, ये थर्ड लेयर है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ठंडी है भाई, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंडी बढ़ेंगी, है ना। और ये क्या करता है, ये लगभग 80 किलोमीटर को एक्सटेंड करता है हमारा अर्थ सरफेस से, 80 किलोमीटर मतलब समझ रहे हो भाई, है ना, हमें 80 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लग जाता है, अब ऊपर जाओगे तो समझ लो कितना किलोमीटर चले जाओगे। अब हमारा थर्मोस्फेयर,
इसके जस्ट ऊपर जो हमारा थर्मोस्फेयर है ये वही लेयर है सर जो फोर्थ लेयर कहलाती है और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर कहलाती है वेयर टेम्परेचर गो टू 1500 डिग्री। दिस इज वेयर स्पेस शटल गो टू स्टडी अर्थ फ्रॉम द स्पेस। और यहीं पे जा करके हमारी स्पेस शटल जो है ना वो क्या करती है हमारी अर्थ को स्टडी करती है ना। और ये पतला है लगभग 99.99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी बिलो दिस पर्टिकुलर लेयर। एक लास्ट लेयर हमारा होता है दैट इज एक्सोस्फेयर। ये लास्ट लेयर है उसके बाद भैया हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसके बाद हम लोग स्पेस बोल देते हैं। ये भैया स्पेस रहा हमारे इससे ऊपर जाने के मतलब इससे ऊपर हमारे कोई लेयर वेयर नहीं है और ये हमारा क्या है इससे ऊपर स्पेस है तो एक्सोस्फेयर तक हम इसको काउंट करते हैं ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारा एटमोस्फेयर का जहाँ पे मॉलिक्यूल्स और एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं आपका यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इससे ऊपर गया तो बाहर निकल गया ठीक है। और ये लगभग 480 किलोमीटर हमारा अर्थ से हो गया और ये जो लेयर है वो आपका स्पेस को एक्सटेंड करता है। इसके ऊपर जाओगे तो हमारा स्पेस हो जाएगा। वैसे तो हमने चांद तक भी पहुंच गए हैं और हम लोग मंगलयान तक भी पहुंच गए हैं। मंगल मंगल में भी हम लोगों ने भेज दिया है ना। तो ऐसा मत सोचना कि हमारी औकात नहीं ऊपर जाने का। हमने तो पूरा स्पेस को ही अपना घर बना रखा है लेकिन मैं बस हम अपनी आम आदमी की बारे में बात कर रहे हैं ठीक है बेटा। ओके अब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को समझा हमारी वायुमंडल के बारे में समझा। अब हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट वायुमंडल में जो वायु का जो महत्व है हवा की जो इम्पोर्टेंस है उसको थोड़ा सा 1 मिनट में आपसे लूंगा और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। हवा क्या करता है एयर क्या करता है। एयर एक लेयर बना के रखता है। कोई वहां पे मत सोचना कि वहां पे एक शामियाना बिछा के रखा हुआ है शादी में टेंट की तरह। ऐसा कुछ नहीं है हवा का ही लेयर बना हुआ है जो क्या करता है हमारी हवा में इतनी ताकत होती है कि एक अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है ना जो सन से निकलती है सन से ऊपर आती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है अंदर आने से मना करता है। भाई मत आओ है ना हमारे लोग नीचे इंजॉय कर रहे हैं है ना। क्यों भाई अगर अल्ट्रा वायलेट रे अगर अंदर आ गया तो क्या होगा तब क्या होगा हमारे स्किन कैंसर जैसे बीमारी है ना हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसी चीजें बढ़ जाएंगी अगर वो चीजें अंदर आना स्टार्ट कर गया तो। लेकिन आपको पता ही है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी छेद होने लगा है ना वो भी डिप्लीट कर गया है। तो ओजोन लेयर एटमोस्फेयर डज नॉट अलाउ अल्ट्रा वायलेट रे यूवी रे भी बोलते हैं शॉर्टकट में है ना इसको एटमोसफेयर में आने के लिए है ना। लेकिन अब ये भी छेद हो गया आपको पता ही ये नुकसान कर रहा है। अब हम लोग खतरे में मतलब हमारे खतरे की घंटी बढ़ती जा रही है। और क्या करता है ये हीट को भी ट्रैप करता है ना मतलब समझ लो कि टेम्परेचर को बना के रखता है ना। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है ना ग्रीन हाउस गैसेस जैसे अर्थ में आप ग्रीन हाउस यहाँ पे लगा दिए तो इससे क्या होता है यहाँ पे हीट जो है अंदर आ तो सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। इससे क्या होगा यदि ये जो आपका जगह है ना यहाँ पे जो हीट है ना वो मेंटेन रहेगा वो मैनेज रहेगा। तो ये क्या करता है हीट को ट्रैप करता है सन का एंड मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर और अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और सर अगर ये लेयर नहीं होता और जो हीट आया और वो उधर उड़ के चला गया खत्म हो गया तो हम लोग क्या होते एक बहुत मतलब समझ लो कि हमारे पास कोई टेम्परेचर ही नहीं होता और हम टेम्परेचर नहीं होते तो हम ऐसे ही खत्म हो जाते। पता नहीं क्या होते इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इट प्रोटेक्ट्स दी अर्थ फ्रॉम दी आपका मेट्योर्स बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शनल फोर्स दैट दे बर्न इन दी मिड एयर। कह रहा है कि ये क्या करता है कि आपका जो हमारे उल्कापिंड होता है ना उसको उससे बचाता है हमारे पृथ्वी को मतलब कहीं आखिर टकरा ना जाए। भाई उल्कापिंड का तो पता ही है भाई सिरफिरे लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं जहां तहां और उसी तरह घूमते घूमते आया और पता चला कि अर्थ से टकरा के निकल गया और अर्थ से टकरा के निकल गया और पता चला कि पूरा तबाह करके चला गया है ना। तो इसको ये बचाता है ना क्योंकि स्पेस है कहाँ कहाँ से कौन आकर के टकरा जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। सब तो सिरफिरे होते हैं यहाँ पे किसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती कोई मैप नहीं होती है। तो वहां पे हमारी एटमोस्फेयर हेल्प करती है इन लोगों को अंदर आने से बचने के लिए ठीक है। और क्या करती है इट ब्रिंग्स वेदर चेंजेस और इसी वजह से हमारी जो आप जो 4-5 मौसम पढ़ते हो ना वो इसी के वजह से पढ़ते हो ये मौसम में बदलाव लाती है ना। और इसीलिए आप मौसम को भी आप इंजॉय करते हो ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये चीज मैंने वैसे आप लोगों को डिस्कस कर दिया कि जो पर्वतारोही होता है आपको पता ही है
जैसे जैसे हम हायर की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, मान के चलो ये माउंटेन है, और ये माउंटेन में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, हायर एंड हायर अबव द अर्थ सरफेस, हमारी जो हवा की जो थिकनेस है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो हवा की थिकनेस कम होती चली जाएंगी तो हमारी टेम्परेचर भी कम होंगी और ऑक्सीजन भी क्या होगा सर, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। और इसी वजह से जो पर्वतारोही लोग जो होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर अगर खत्म हो गया, आप नीचे नहीं आ पाए भाई, तो वहीं पे आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है, आपको इतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाएंगी। आप देखो ना, आप छोटी सी माउंटेन में भी जब आप ट्रेवल करते हो, आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हो, मान के चलो आप पारसनाथ अगर पहाड़ पे जाते हो, या फिर समझ लो कि आप हिल साइड में आप जाते हो, नॉर्थ इंडिया साइड में आप ऊपर आप मसूरी वगैरह में आप चढ़ते हो, आपकी जो ऑक्सीजन की जो मतलब लेने की जो आपकी कैपेसिटी है ना, फास्ट हो जाती है। आप क्या करते हो, उसको फास्ट लेने लग जाते हो, और फास्ट लेने से क्या क्यों होता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है, तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को थोड़ी फास्ट लेनी होती है, ताकि वो चीजों को कवर हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक था, जैसे कि मैंने आप लोग को क्लास में शुरू में बताया था कि मैं बताऊंगा कि हवा में क्या क्या चीज मिला हुआ है, क्या क्या मिश्रित क्या हुआ है ना, क्योंकि हम हवा को मिश्रण बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं, तो हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। सिर्फ हवा क्या है, हवा एक कॉमन नेम है भाई, हवा कोई एक नहीं है, वो एक मिश्रित है, मिश्रण है, जिसमें आपका बेटा नाइट्रोजन जो है वो 78% है, केवल नाइट्रोजन ही 78% है। अभी आप आगे बढ़ोगे, 78% होने के बावजूद भी बहुत सारे जीव जंतुओं के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है ना, क्यों भाई, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन की क्यों दिक्कत होती है। 21% ऑक्सीजन होते हुए भी हम लोग कह रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाओ वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी और हम मर जाएंगे, है ना। तो समझ लो कि ये दोनों मिला करके अगर हम ये दोनों को जोड़ दें, 78 और 21, तो समझ लो कि आपका 99% जो गैसेस होता है वो आपका दोनों मिल करके, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में कि कौन सा गैसेस की संख्या सबसे ज्यादा है ना, तो आप लगाओगे नाइट्रोजन, अगर दो ऑप्शन रहे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों मिला करके आप समझ लो 99% आपका गैस है, बाकी 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.04% है, और अदर गैसेस जैसे आर्गन हो गया या फिर इनर्ट गैसेस हो गया है ना, वो सब आपका 0.96% में आता है, सब मिला जुला करके भाई ये सब 1% के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है, और इसके साथ में और दो चीज और मिली हुई होती है, भले हवा का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं कि भाई अब तुम साथ रहोगे, शेर के साथ रहोगे तो शेर ही कहलाओगे, है ना, नेता लोग के साथ रहोगे तो नेता ही कहलाओगे, और बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहोगे तो बिगड़े ही कहलाओगे। इसी तरह हवा के साथ में दो लोग और रहते हैं भाई, वो है आपका डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। हम बताएंगे कि डस्ट पार्टिकल कैसे होता है, मैं आपको मिलवाऊंगा डस्ट पार्टिकल से, परेशान मत हो, आपको एहसास दिला दूंगा कि हवा में डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इसके साथ में आपका वाटर वेपर भी है, पानी के कुछ मॉलिक्यूल से मिटा है ना, वाटर वेपर भी है, हवा पानी के कुछ बूंदे भी आपका किसमें होती है, हवा में होती है, ये दो चीजें आपका हवा में पाई जाती है, ठीक है, ये दो चीजें। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी सारी चीजें, हम लोग पूरा एकदम प्रूफ के साथ मस्त एकदम समझेंगे चीजों को, ठीक है। अब आते हैं वाटर वेपर पे, सबसे पहले समझते हैं कि वाटर वेपर हवा में कैसे होता है, सर ये बताइए, हवा में तो मैंने कभी नहीं देखा है ना, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हवा में भी पानी होती है, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ बेटा, कि आपने कपड़ा सुखाया है ना, आपने कपड़ा सुखाया ऊपर छत पे फैलाया, मस्त कि आज हम कहीं पार्टी में शाम को जाने वाले हैं, और आपने जैसे ऊपर फैलाया और वो थोड़ी देर के बाद जो पानी थी वो गायब हो गया, पता कहाँ गया, एटमोसफेयर में गया, निकल गया, और निकल गया तो किसके साथ मिला, हवा के साथ तो गया है ना, हवा लेने के लिए आया था भाई, चल घूम के आते हैं, और वो जैसे देखा उसको लेके चला गया, तो एक्चुअली में क्या हो गया, जाके मिल गया उसमें, है ना, हवा में आपका क्या हुआ, वो जो आपकी पानी थी वो मिक्स अप हो गई। और आपने कहाँ देखा है, एयर में वाटर वेपर होता है जो कि वाटर साइकिल में, वाटर जो साइकिल होती है ना, आपने पढ़ा है ना वाटर साइकिल, कि पहले पानी था है ना, और पानी सूरज की रोशनी से और हवा से क्या हुआ, इवापोरेट्स हो गया सर, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण होने के बाद ये गैस फॉर्म में जाकर के धीरे धीरे ऊपर गया, जितनी औकात थी वहां तक तो जाके रुक गया, और रुकने के बाद धीरे धीरे वो
पास होते चला गया, और पास होने के बाद धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया, है ना, बादल बन गया, क्लाउड बन गया, और जब ये भारी हो गया, मूव नहीं करने लगा, बोला भाई अब हम नहीं रह सकते यहाँ पे, फिर ये वापस हो गया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, बारिश होना, है ना, और बारिश होने के बाद फिर से ये क्या हुआ, हमारे जहाँ था वहां पे आ गया। इस पूरी प्रोसेस में हवा का जो काम होता है बहुत तगड़ा वाला काम होता है, मतलब समझ लो इनकी जो दोस्ती होती है ना वो बहुत तगड़ा होता है, मतलब पूरा अच्छी वाली बॉन्डिंग वाली होती है। अगर हवा नहीं होता तो शायद से आपका ये प्रोसेस करना मुश्किल हो जाती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा स्लाइड को देखते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, बोले सर प्राण वायु कहलाता है ना, इसके बिना तो जिंदगी हमारा कुछ भी नहीं है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो, ऑक्सीजन हमारा जो है वो क्या है, प्राण वायु कहलाता है, और ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन हमारा एक हवा में एक कंपोनेंट्स है जो कि हमारी कंबसन को हेल्प करता है, हमें जलाने में हेल्प करता है, किसी चीज का जलने में हेल्प करता है, जो कि हवा जो होता है ऑर्डरलेस होता है, ध्यान देना बेटा, हवा का कोई रंग नहीं होता है, ये एक कलरलेस होता है, हवा की कोई गंध नहीं होता है, ये एक गंधहीन होता है, और हवा पानी के साथ मिक्स होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी के अंदर भी हवा होती है, भी मैं प्रूफ कराऊंगा एक्टिविटी से, आपको मैं एहसास दिला दूंगा कि हवा पानी के अंदर भी है और मिट्टी के अंदर भी है ना, हर जगह पे हवा है। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील होता है सर, कोई आपका इसका रंग नहीं होता है, कोई इसका आपका गंध नहीं होता है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बारे में बात करें तो 21%, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एग्जैक्ट आपका ये है 20.95% आपका एग्जैक्ट, अगर फिगर देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे एनसीईआरटी ने भी 21% दे रखा है अभी नया वाला जो अपडेट हुआ है। सो ठीक है, अब हवा की क्या यूजेस है, इट इज ऑक्सीजन इन द एयर दैट हेल्प ह्यूमन एंड एनिमल्स कैरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस, सांस लेने की जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करती है हवा, कंबसन में भी हेल्प करता है ना। देखो एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जरूर याद रह जाए और एग्जाम में आप जरूर जाके लिख के आ जाए, ये पूछ दे भाई हवा क्या है, तो हवा के बारे में ऐसे तो लिख के आ सकते हो, है ना, हवा हमको भी जरूरत है, हवा हमारे पड़ोसी को भी जरूरत है, जो भी लिखना है आप लिख के आना। ठीक है, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर, हवा में भी होता है, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें भी हवा में जरूरत, हवा की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो हवा होती है वो पानी के अंदर भी क्या होती है, मिक्स होती है ना, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जलने के लिए, है ना, और अभी कोविड में तो आपने ऑक्सीजन का जरूरत तो आपने देखा ही था कितनी जरूरत थी, ऑक्सीजन मिलने नहीं लगा था, है ना, उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास कंटेनर नहीं था, लोग मरने लगे थे, है ना, हवा ऑक्सीजन की वजह से, तो आपने काफी आपने देखा है कोविड, ये बहुत अच्छी चीज है कि इतनी बड़ी त्रासदी को आपने अपने आंखों से देखा है। ठीक है, आप समझते हैं बेटा हमारा कि एक चीज हम लोग समझेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू से, कि क्या किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत सच में पड़ती है सर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगा, चेक करते हैं इसको जलने के लिए। आप क्या करो, एक कैंडल जलाओ, दो कैंडल जलाओ, चलो आपकी प्रूफ के लिए, वरना फिर आप बदल जाओगे सर, पता नहीं क्या हुआ हमको समझ में नहीं आया, दो कैंडल जलाओ। ठीक है, दो कैंडल जलाओ, एक ये रहा, एक मान के चलो मेरा है, ये वाला मेरा कैंडल है, ये वाला आपका कैंडल है। ठीक है, आपने जलाया है ना, ये कैंडल मस्त जल रहा है, एकदम लाइट दे रही है। उसके बाद हमने क्या किया, एक इस टाइप का ग्लास का टम्बलर लिया, बड़ा सा ग्लास, यानी कि इसके तक पहुंचे ही नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा सा ग्लास, और हमने इस तरह से जा करके इसको पैक कर दिया, पैक कर दिया अच्छे से, है ना, थोड़ी देर के बाद देखना, अगर ये कांच की ग्लास हो ना बेटा तब तो भी नहले में रहना, मस्त वाला चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कांच की ग्लास लगाना ताकि आर पार चीजें दिख सके आपको। अब जैसे ही ग्लास को इसमें डालोगे थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे ये भूत जाएगा, बंद हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन का जब तक इसके अंदर प्रेजेंट रहा था तब तक चीजें जल रही थी, जैसे ही ऑक्सीजन आपका खत्म हो गया तब फिर ये जलना बंद हो गया। इससे ये पता चल रहा है सर कि किसी भी चीज को जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है नाइट्रोजन के बारे में। अभी मैंने बोला था
कि नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 78% है। तो अगर ये 78% है तब भी बहुत सारे जीव को नरभक्षी बनना पड़ता है। आपने देखा है बहुत सारे जीव को कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं वही नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों है ना? क्योंकि कभी भी कोई जो एनिमल्स प्लांट होते हैं उस वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उन्हें मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसको लेना पड़ता है। और इस वजह से मिट्टी में अगर नाइट्रोजन कमी हो जाती है तब उन्हें भैया बेचारा को या कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं कि जो ड्राई एयर होती है, जो हवा होती है, हमें पता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है, जैसे कि मैं आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था, है ना। और जो कि क्या करता है आपकी हमारी बॉडी को, अगर हमें अगर हमारी बात करें बेटा, तो हवा जो है हमारी वो क्या करती है आपकी ग्रोथ प्रोसेस को, आपकी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करती है। मतलब नाइट्रोजन की बहुत ही जरूरत है ना, आपकी ग्रोथ प्रोसेस को हेल्प करती है। क्या क्या यूज होता है आपका? सबसे पहले आपकी जो ये ग्रोथ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज इन मेकिंग प्रोटीन। भैया डायरेक्टली तो आपको नहीं हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन को बनाने में आपका हेल्प करता है नाइट्रोजन, ठीक है। और आपको पता है आपकी प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपकी शरीर निर्माण में हेल्प करता है। ग्रोइंग बेबी को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन कितनी जरूरत पड़ती है? जितना केजी आप हैं उतना ही ग्राम प्रोटीन आपको लेनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने पहला ही चैप्टर में बता दिया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये चीज। इट इज यूज टू फिल एयर इन टायर्स इन व्हीकल्स। आजकल तो भैया आपने देखा ना, हवा नाइट्रोजन वाले चीजें लोग भरवाने लगे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, घर्षण हो रहा है, टायर गर्म हो जा रहा है, तो लोग नाइट्रोजन भरवा रहे हैं ताकि टायर गर्म ना हो, ठीक है। तो टायर्स में भी लोग नाइट्रोजन डलवाने लगे हैं आजकल, है ना। इट इज यूज, लेकिन देखो अगर ये नाइट्रोजन हवा जो होती है, जो हवा सिंपल सा हवा डलवाते हैं उसमें तो सारे मिक्स हवा है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन को अगर डाला जाएगा तो इसमें आपको पैसे भी पे करने होते हैं नाइट्रोजन को डालने के लिए। आपकी फूड पैकेजिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन की हेल्प होती है। आपने ले कुरकुरे, आपने जो आपने बहुत सारी चीज आप खाते हो उसमें जो हवा होती है आप देखना पैक होता है पूरा, जिस वजह से चीजें खराब नहीं होती है, और जब उसको खोलते हो आप तो उसमें निकल जाती है, उसके अंदर एक्चुअल में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और क्या करती है? केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, आपका जो आपका रासायनिक उर्वरक होता है जो हम क्या करते हैं खेतों में डालते हैं, एंड एक्सप्लोसिव पटाखे, अभी आ रहा है दिवाली उसका मजे करोगे आप, है ना, उसको जलाने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें नाइट्रोजन की यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। ऑल्सो मैन्युफैक्चर फॉर स्टेनलेस स्टील। बेटा हमारी जो स्टेनलेस स्टील है, बर्तन वगैरह जो आपकी जो स्टील की बनी होती है उसको भी बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की फैक्ट्रियों में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन 78% है तो हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, बेकार नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कोई चीज फालतू होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हमारे लिए नुकसान भी है हमारे लिए फायदा भी है ना। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे को क्या ले देंगे, और पेड़ पौधे अगर मान के चलो पेड़ पौधे को अगर हम नहीं देंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहेंगे, वो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा देखें एटमोस्फेयर में तो बहुत कम है बेटा, कुछ मतलब समझ लो 1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है, 0.04% है सर, इतनी कम। हाँ भाई इतनी कम है ना, इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में है। ये भी सर ऐसा ही होता है, ये भी कलरलेस है सर, पता है इसमें भी कोई रंग नहीं होता है, ये भी ऑडरलेस है सर, इसमें भी कोई गंध नहीं होता है ना। अगर हम अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी जब ऑक्सीजन लेती है, हम जब किसी ऑक्सीजन को हम जब रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारी बाय प्रोडक्ट जब निकलती है ना, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, ऐसा मत सोचना कि हम अंदर लिए और निकाल दिए, है ना। प्रोसेस पूरी कंप्लीट प्रोसेस क्लास 7 में आप पढ़ोगे, 8 में और डिटेल पढ़ोगे, 10th में तो भैया आप मास्टर बन जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बाय प्रोडक्ट जो हमारा रेस्पिरेशन का है वो सर हमारा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। ये आपकी कंबसन में हेल्प नहीं करता है, ये इसका दुश्मन है, जलने के लिए दुश्मन है। अगर मान के चलो कहीं आग लग चुकी है ना और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाबा को बुला लोगे तो समझ लो आग को खत्म कर देगा। इसीलिए जो इस टाइप का आपने देखा होगा ऑफिस या स्कूल वगैरह में, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। और जैसे ही आग लगी, भैया ठीक है तुम आग लगोगे इसको लो और मारना स्टार्ट करो, आग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो समझ लो ये कंबसन में हेल्प नहीं करता है, ये दहन को समर्थन नहीं देता है, ठीक है। इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, है
हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पूरा भूल जाएगा हवा पानी में जाकर के, लेकिन ये तो जरूर बोलेंगे कि हाँ पानी के अंदर भी थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हल्का फुल्का घुलता है ना। और साथ में इसकी जो टेस्ट होती है वो आपका सौर होती है, खट्टा होता है, मतलब इसकी जो पीएच होती है सर वो 7 से आपका ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, मतलब 7 से 14 के बीच में, इतनी नहीं ज्यादा होती भाई, इतनी ज्यादा 14 तो चला गया समझ लो भी हमें जीना आराम हो जाएगा, है ना। और इसी वजह से आप एसिड रेन, अगर आपने देखा होगा एसिड रेन भी होने का कारण क्या है ना, वो उसको थोड़ी सी माइनस करता है। ओके, फायर आल्सो यूज अप ऑक्सीजन टू बर्न, आपको पता है आग गलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है ना, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हवा जब कोई चीज जलाओगे आप, और अगर अच्छे से जल गया तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और भाई अगर खराब जला उसको बढ़िया ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो वो कार्बन मोनोक्साइड निकालेगा, ठीक है, एंड फ्यू अदर गैसेस अपॉन बर्निंग। दिस इज व्हाई वी फील सफोकेटेड इफ देयर इज समथिंग बर्निंग इनसाइड अ रूम। दिस हैपेंस ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द फायर कंटिन्यूज टू बर्न इन द रूम, चोकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। देखो बेटा, अगर आप कोई ऐसा जगह पे हो जहां पे पूरी आग लगी पड़ी है ना, तो देखना आपको वहां पे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि तो बड़ा वाला जो आग लगी है ना वो सारी ऑक्सीजन को खींच रहा है। भैया मेरे पास आओ, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो दुश्मन उसके लिए। तो अगर वो अपने पास ऑक्सीजन को बुला रहा है तो आपकी ऑक्सीजन को छीन रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होंगी। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे न्यूज पेपर आपने सुना होगा कि एक कमरे में ठंडे के दिन में 4 लोग सोए थे, क्या जला करके, आग जला करके, है ना, चीलम जला करके, और फिर क्या हुआ बेटा कि ये सुबह उठा ही नहीं, भगवान के प्यारे हो गए। क्यों हुए एक्चुअली में, लोग क्या बोलते हैं, अरे जो होना था सो हो गया। साइंस क्या बोलती, नहीं, ये जो आग जला रहा था ना, इस रूम के अंदर जितने भी ऑक्सीजन था इसने यूज कर लिया, और जैसे यूज करना स्टार्ट हुआ अब यूज कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा, अब वहां पे बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइ अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब बोला कार्बन डाइऑक्साइड भैया आप भी आओ ना मेरे पास, अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास आने लगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब जलाने लग गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने लग गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज करने लग गया तो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर लेने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, तो आप ये समझ लो बेटा कि हमारी जो जो नाली होती है ना ऑक्सीजन की, उसको ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन को फिर लेने ही नहीं देता है। और ऑक्सीजन को लेने ही नहीं देता है तो समझ लो कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम इस धरती में रहने लायक नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप चीजों को जब जलाते हो ना, आप जब जलाते हो तो उसको पूरी कंबसन दो, पूरा ऑक्सीजन में जलाओ, ऑक्सीजन के अब्सेंट मत जलाओ, वरना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसकी, इसकी यूज करते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है ना, इन्वायरमेंट से लेता है, और क्या होती है आपका कार्बोनेटेड वाटर बनाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, है ना। आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर जो सर आग को बचाती है ना, आग को जलने मतलब फैलने से बचाती है वहां पे, और ये आपका ग्रीन हाउस गैस है दैट ट्रैप हीट एंड मेंटेन टेम्परेचर। ग्रीन हाउस को आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है हीट को ट्रैप करके अपने पास रोक के रखता है कि हीट अब बाहर नहीं जाने देंगे, और हमें जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको वो बचा के रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फायदा भी है और हमारे लिए नुकसान भी है, सारी गैसेस का नुकसान है, बहुत सारा ऑक्सीजन लेना भी आपके लिए नुकसान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन मिला और आपने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब आती है बात डस्ट एंड पार्टिकल्स, जो मैं बोल रहा था कि ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस उसमें मिक्स होता है, मिला हुआ होता है, उसके अंदर पाया जाता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे बेटा आप गाड़ी उड़ा रहे हो पूरा, है ना, और आपने देखा कि धूल उड़ रहा है, इसी को तो डस्ट बोलते हैं, आपने देखा है डस्ट, समझ रहा है ना, वो हवा में भी होता है। आप कभी भी ना आराम से बैठ के कोई जगह पे आप ऐसे देखना, हवा में कुछ कुछ चीजें आपको उड़ती भी दिखेंगी सर, नहीं दिखेगी, हमारा आंख बहुत कमजोर है। कुछ ऐसा उपाय बताओ ना जिसमें माइक्रोस्कोप लगा के हम देख सकें। बेटा आपको माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए, मैं आपको बहुत सस्ता सा उपाय बता रहा हूँ। अगर उसके अंदर आपको जैसे होता है ना भूत देखने के लिए रात में आपको शमशान जाना पड़ता है ना, पता नहीं भूत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको रात को डस्ट पार्टिकल तो पक्का दिखा दूंगा, भले ही भूत को नहीं दिखा पाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बंद कमरे में जाना,
नहीं दिन में ही दिखा देंगे, रात की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंद कमरे में जाना, वैसे आजकल तो लाइट वगैरह बहुत कम आती है, अगर खिड़की है और सनलाइट अगर इधर से आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तब देखना इस अगर बंद कमरा है तो ये अगर पतली सी लाइट आ रही है रूम में आपका, तो देखना जब आप यहाँ से देखोगे ना तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखेगा इस लाइट में, है ना, इस लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हर जगह पे डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है। तो क्या सर हमें हर जगह पे मास्क लगा के जानी चाहिए? मास्क तो लगानी ही चाहिए, है ना, घर में नहीं लगाओगे अलग बात है, बाहर क्यों लगानी चाहिए? सर बाहर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, हमारी जो एयर मतलब समझ लो कि एयर पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है ना, और उसमें पॉल्यूएंट बहुत ज्यादा है जो हमारे नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, इसीलिए हमें मास्क तो लगानी चाहिए। अभी देखेंगे हम लोग मास्क की क्या जरूरत है। तो स्मोक क्या है? एक अनदर कंपोनेंट है आपका, किसका? आपका फायर बर्न होने के बाद, जब आग लग, समझ लो ऐसे समझो, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको। फैक्ट्री है ना, अभी फैक्ट्री में क्या होता है, चीजें जल रही है, या जंगल में आग लग गई है सर, चीजें जल रही है। जब कोई चीज अनबर्न पार्टिकल होती है, जब वो कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है, कंप्लीट कंबसन का मतलब सर उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जलने के लिए जितनी उसको जरूरत है जलने के लिए, तो अगर नहीं मिल पाता है ना तो गुस्सा हो जाता है वो। क्यों गुस्सा होता है? बोलता है हम नहीं जलेंगे, तुम जो करना है कर लो। और उस केस में क्या करता है वो, कार्बन मोनोक्साइड रिलीज कर देता है और इसके डस्ट पार्टिकल, डस्ट टाइप का वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यही डस्ट पार्टिकल जो आपकी गाड़ियों से निकलती है, धुआं निकलती है आपका, जिसको आप देख पाते हो, सिंपल सा बात समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सर, जिसको हम देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा सा उसके पार्टिकल पास होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, अब इतना भी सॉलिड नहीं होता है कि जाकर के आप पकड़ लो, है ना, बट इस हवा में रखो तो थोड़ी बहुत सॉलिड आपको दिख जाएंगे, तो सॉलिड डस्ट होते हैं। और ये जो सॉलिड डस्ट होता है वो आपके अगर नाक में चला गया ना तो समझ लो भैया आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन आप जब लोगे तो ऑक्सीजन कोई काम ही नहीं आएगा, ऑक्सीजन लेने ही नहीं देगा, बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है। तो इट इज वेरी हार्मफुल एंड एट फाइन डस्ट, इतनी फाइन डस्ट होती है भाई कि आपका नाक के अंदर भी जा सकता है, आपके नाक में कुछ एयर होते हैं वैसे, है ना, वो रोक मतलब कुछ वो कुछ बाल होते हैं, हेयर होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक और लेयर लगाते हैं मास्क का तो ज्यादा जरूरत है उसका, है ना। डस्ट पार्टिकल होते हैं और कुछ फ्यू गैसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, दिस इज वाई इंडस्ट्री यूज लॉन्ग चिमनी, इसीलिए आपने इंडस्ट्री को देखा होगा लॉन्ग लॉन्ग चिमनी को लगाते हुए, ताकि हवा ऊपर चले जाए नीचे ना आए, है ना, फिर भी आखिर हवा तो हमारे इन्वायरमेंट में ही जा रहा है ना, हमारे एटमोसफेयर में ही जा रहा है ना, तो नुकसान तो आखिर होना ही होना है, ठीक है। बट वी नो दैट दिस एक्ट वाई कॉन्ट्रीब्यूट एयर पॉल्यूशन इन दी एनवायरमेंट, इस तरह से बहुत सारे है आपका, कुछ चीजें जलाने से ये चीजें आपका डस्ट पार्टिकल वगैरह फैलता है और ये हमारे लिए नुकसान होता है। बेटा कैसे पता लगा है? ये तो मैंने एक्टिविटी आपको बता दिया, इस कमरे में अगर वो है तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारे हवा में डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्लास तो लंबी हो रही है, बट पेशेंस रखो बेटा, आपको पूरी चैप्टर समझना है ना, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो अच्छी मार्क्स आएंगी तभी आएंगी जब अच्छे से चैप्टर समझोगे, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको थोड़ी सी क्लास को लेनी पड़ेगी। देख रहा है इस आदमी के नाक में आपको कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, कुछ कुछ हेयर्स दिख रहे हैं, ये हेयर्स ना हमारे बॉडी के लिए बहुत काम की चीजें हैं। जब क्या होता है कि आप जब ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं तो ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है नहीं, सिर्फ पूरा हवा है मिक्सर, तो पूरे हवा को आप लोगे, अब उसमें डस्ट पार्टिकल भी है, तो डस्ट पार्टिकल जो है उसको ये क्या करता है, रोक देता है, भाई रुक जा, ये क्या करता है, सिफाई का काम करता है ना। इसीलिए आपका क्या होती है, हमारी जो मम्मी वगैरह आपने सुना होगा कि वो बोलती है आपको कि जब भी ऑक्सीजन लेना तो क्या नाक से लेना, मुंह से ऑक्सीजन मत लेना, क्योंकि मुंह में आपके डस्ट पार्टिकल तो चले जाएंगे और डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो आपके लिए नुकसान करेंगे। देखो यहाँ एक पहेली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एनसीईआरटी बुक में पहेली हमेशा परेशान रहती है, बहुत सारे डाउट रहता है उसको, यहाँ पे पहेली पूछना चाह रही है कि व्हाई डू यू थिंक द, ने बुजुर्ग पूछना चाह रही है कि पुलिसमैन इज वेयरिंग अ मास्क, इस फिगर में पुलिसमैन ने मास्क क्यों लगा रखा है? भाई पुलिसमैन को ना रोड पे ही रहना होता है और रोड पे गाड़ियां चलती है, गाड़ियां धूल उड़ाती है और धूल उड़ाती है तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको मास्क लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये इसी को इंटेक्ट करेगा और इंटेक्ट करेगा तो धीरे धीरे इसकी जो उम्र होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वहाँ दिल्ली की इतनी पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे रहने के बाद
आपकी 10 साल एज ऐसे ही कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने डॉक्टर लोग को मास्क लगाते हुए देखा होगा, डॉक्टर लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं इसलिए मास्क नहीं लगाते हैं। आपको भी मास्क लगानी चाहिए वैसे, है ना, आपको मैंने आज पढ़ा दिया, ये मत बोलना सर आप हमें पता नहीं था, मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मम्मी की बात थोड़ा कर लेते हैं, अगर हम पढ़ाई करें मम्मी पापा बीच में ना आए तो कैसे हो सकता है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स, क्या आपको याद है कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं और आपके माता पिता आपको डांटे हैं, आपको मना किए हैं, बेटा नहीं ऑक्सीजन को नाक से लेना चाहिए, क्यों? इफ यू डू दैट, अगर आप ऐसा करते हो तो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में इंटर योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आया है यहां तक? कोई समस्या है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत है? चलो ये पहेली को एक और डाउट है, मिलके सॉल्व करते हैं, है ना, पहेली बुझो दोनों यहाँ पे है। पहेली कहती है, वांट टू नो, जानना चाहती है बेटा कि व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ नॉट विप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। कह रहा है कि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर मान आपकी खिड़की है ट्रांसपेरेंट, या फिर समझ लो आपकी गाड़ी का शीशा आपका ट्रांसपेरेंट सामने लगा हुआ है, अगर हम उसको सही टाइम पे साफ नहीं करेंगे तो वो आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। क्यों भाई? तो सिंपल सा आंसर है सर, डस्ट पार्टिकल जाके चिपक जाते होंगे। बुजु वांट टू नो, बुजु को भी एक डाउट है, व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर, फायर जब लग जाती है, वन इज एडवाइज टू रेप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। कहता है कि आपको वुलन ब्लैंकेट या कंबल में आपको तुरंत अपने आप को कवर कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर पूरा तुरंत से आप कवर कर लोगे, है ना, वुलन ब्लैंकेट जिसमें आपका क्या होता है कि हवा फंसी हुई होती है, तो वो आपका ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोक देता है, और ऑक्सीजन अंदर जाने से रुक गया तो उसको ऑक्सीजन मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं तो वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तो कोई समस्या नहीं है? ओके, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं, लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है ना, थोड़ी सी पेशेंस रखना है आपको, है ना, ईमानदारी से। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारी आज का, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल, किसको? जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वाटर एंड सॉइल में, है ना, जो सर जो एनिमल पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर रहती है सर, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ये चीजें तो हमारी छूटी गई थी, इसको भी थोड़ा कवर करवा देते तो अच्छा होता सर, है ना। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि आपका पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है या पानी के अंदर भी गैस है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास भी कर लेते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, या गैस में भी जला दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे एक कंटेनर में पानी को क्या कर दो, आप गर्म कर दो, है ना, कुछ वाटर लेने के बाद इसको क्या कर दो, गर्म करो। गर्म करने के बाद देखना कि आप क्या देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, टीनी बबल्स आपको इनसाइड देखने को मिलेगा, हवा की कुछ बबल्स आपको देखने को मिलेगा जो नीचे से ऊपर जा रही होती है ना, जो कि क्या करता है आपका हवा की प्रेजेंस को आपको शो करता है। ठीक है सर, चलिए, हियर इज द क्वेश्चन ऑफ पहेली, विल द टीनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल्स ऑल्सो अपियर इन टू दिस एक्टिविटी बाय द रीहीटिंग बॉयल्ड वाटर कीप्ड इन एन एयर टाइट बोतल, इफ यू डू नॉट नो द आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट सी योर फॉर योर सेल्फ। कह रहा है कि सर ऐसा करते हैं कि हम ना हवा में पानी को इतना गर्म, मतलब पानी को इतना गर्म कर देते हैं कि सारी हवा निकल जाएगी, फिर एक टाइट बोतल में रख देंगे और फिर उसको गर्म करेंगे तो क्या फिर से उसमें हवा रह जाएगी क्या? अगर आप नहीं जानते इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, और ये आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि उसमें हवा होंगी या नहीं होगी, तो क्यों नहीं लगता है कि उसमें हवा नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और फिलहाल एक और एक्टिविटी करते हैं जो ये पता लगाते हैं कि आपका जो है हवा जो है वो क्या सॉयल में भी है। अच्छा, आपने देखा है, आप एक बोतल पानी लेना पीने के लिए, और आप अभी गर्मी का दिन आ रहा है, आप एक ग्राउंड में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, सूखा हुआ जमीन के पास, और वहां पानी को गिरा दो, आप बोतल पानी लो और गिरा दो। पर सर पीने वाला पानी क्यों गिराने, बोल रहे दूसरा पानी भी गिरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल गिरा सकते हो, ठीक है, अगर पीने का पानी, अब पानी लेकर के जाओगे, अब जैसे जमीन में डालोगे
तो जमीन देखना आवाज करेगा करके, है ना, और वो क्या करेगा, एयर की बबल्स निकलेंगी और पानी नीचे चला जाएगा और ये जादू हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि मिट्टी के अंदर भी क्या है, मिट्टी में भी हवा है। जैसे ही पानी डाला, पानी ने अपना जगह बनाने का प्रयास किया और हवा को बोला भाई तू जा, हम आ गए हैं, है ना, और वो निकल गया। इसीलिए जब बरसात होती है ना, आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो क्या होता है कि जितने भी मिट्टी में जो आपकी ब्लैंक है, खाली स्पेस है, और है ना, उसमें क्या होता है पानी जाने लगता है और पानी जाता है उसको पैक कर देता है। और जैसे पानी गया, हवा को बोला तू कट ले, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और नीचे जो आपके जो जीव जंतु जो पानी के नीचे रहते हैं उन्हें छटपटाहट होती, भैया ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन की जरूरत जब पड़ती है तो वो क्या करता है, बाहर निकल के आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। और अब देखते हो बैंक को, है ना, आप उसको मेंढक को टर टर करते हुए, है ना, आपने देखा होगा इस टाइप की चीजों को बाहर निकलते हुए, है ना, जो कि पानी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन को लेके आराम से मस्त रह रहा था। लेकिन पानी उसका दुश्मन, वैसे पानी उसका दुश्मन नहीं है, बट हाँ उस टाइम बहुत ज्यादा पानी गिरना ही उसके लिए दुश्मन है। तब वो बाहर निकल गया और आराम से ऑक्सीजन लिया, पानी वानी खत्म हुआ, फिर वो अंदर चला गया। ठीक है बेटा, तो व्हेन रेन हैवीली वाटर फिल अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर, जितना भी हवा ने जगह घेर रखा था उसको पानी ने छीन लिया, है ना। एंड इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग दिस सॉइल हैव कम आउट, क्या किया, बाहर निकल गया फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए। कुड दिस बी द रीजन व्हाई अर्थवर्म कम आउट दिस सॉइल, इसी यही रीजन है कि अर्थवर्म बाहर आता है दुनिया देखने के लिए, राइट, ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, वरना उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, है ना। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through the large number of organisms are consuming it? आपको पता है कि इतनी 21% ऑक्सीजन हमारा, इतनी ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? आप मुझे बता सकते हैं कि रिफिल कौन कर रहा है, दोबारा ऑक्सीजन को एटमोसफेयर में ला कौन रहा है, जो यूज कर रहे हैं उसको दोबारा कन्वर्ट कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइए कि ये करने वाला भगवान है कौन। ठीक है, चलिए अब तो सामने आ गया, है ना। चलो, ये है हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाता है एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिस। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या होता है भाई, ये हमारा दोस्त है, पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं जीव जंतु का, हम देते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वापस देता है हमें ऑक्सीजन, और इसी तरीके से हम लोग दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, है ना, सर्वाइवल के लिए। अगर जीव जंतु खत्म हो जाए, पेड़ पौधे को काट देंगे बेटा, तो भैया हम ऑक्सीजन लेंगे, उसको कन्वर्ट करके वो वापस देगा नहीं, और अगर वापस करके नहीं देगा तो फिर हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम निकल पड़ेंगे कहाँ, भगवान के पास। अब सर आज भगवान के पास आप जरूर बहुत भेजना चाह रहे हैं, क्या बात है, आज इतनी क्या आपको दुश्मनी हो गई कि आप सिर्फ भगवान की बात कर रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, है ना, कोई दुख है तो बता दीजिए, खैर बताएंगे जरूरत पड़ेगी तो, आपका तो कोई दुख है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अच्छा एक बात बताओ, हमने पूरा हवा का पूरी स्टोरी सुनी, पूरी कहानी सुनी, मजा आ गया सर, है ना, क्या हवा का और भी कुछ काम है क्या? बस एक दो काम बता करके क्लास को खत्म कर देंगे, परेशान मत हो, क्लास को एंड कर देंगे, है ना। आपने कभी देखा है विंड मिल वगैरह में आपने टरबाइन को, इससे पंखे को, ब्लेड को घूमते हुए, है ना, इसे क्या होता है पवन चक्की में, इससे घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब हवा का काम ना हम अपनी दैनिक यूज में भी करने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आपने देखा होगा बेटा कि आप ग्लाइडर्स, जब आप इस तरह से झूला झूलते हो, यहाँ पे भी हवा की जरूरत पड़ती है, एरोप्लेन को उड़ने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है ना, आपकी जो शिप होती है उसको भी डायरेक्शन देने के लिए, पानी में मतलब पानी की जहाज को मूव करने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है, पैराशूट को मतलब आप इंजॉय करने के लिए, अगर आपको एडवेंचर पसंद होगा और ऊपर से नीचे उड़ना पसंद होगा तब भी आपको पैराशूट में भी हवा की जरूरत पड़ती है ना। ये नौकायन तो बता दिया मैंने आपको, मतलब ये है कि हवा की जरूरत सर हर जगह पड़ती है, पेड़ पंछियों को उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, चाहे वो पंछी हो, चमगादड़ हो, कीड़े मकोड़े हो, या फिर सर इसकी जो डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड को उड़ने के लिए, जैसे दूसरी जगह जाने के लिए, तितलियों को उड़ने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। मतलब ये है ना। और आपने देखा होगा पेड़ पौधे जो आपका रिप्रोडक्शन करते हैं
उसमें जो पराक्कन एक जगह से दूसरी जगह पे जो होता है उसमें भी हवा भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर। वाटर साइकिल में भी हवा की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आज हमने भाई वायु देवता के बारे में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिया। उम्मीद है कि आप जाके उसकी पूजा करेंगे, आप इसको हेल्प करेंगे, है ना। और कैसा रहा आज की क्लास आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, एक अच्छी सी कमेंट बताना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दो टॉपिक और रह रहा है बेटा, एक बॉडी मूवमेंट रह रहा है और द लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, दो चैप्टर और रह रहा है। दोनों चैप्टर हो जाएगा। अब हम लोग अब रास्ते के लिए निकल चुके हैं, मंजिल के लिए निकल चुके हैं, तो मंजिल तो मिलेंगी ही, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।